राज्य के मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई आपदा प्रकोष्ठ राज्य में 3.50 मिलियन से अधिक लोगों से सीधे संपर्क में है और उन्हें भोजन सहायता और अन्य सहायता प्रदान करता है। ऊर्जा मंत्री राउत ने कहा कि 1.83 मिलियन को राशन और आवश्यक सामान दिया गया है, जबकि अन्य 1.66 मिलियन को दवाइयां, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि प्रदान किए गए। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे राज्य में 60,000 से अधिक लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। उन्होंने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने महाराष्ट्र में फंसे विभिन्न राज्यों के 110,000 प्रवासियों की मदद की है। इसके अलावा पार्टी ने डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कोविड-19 महामारी से जूझने के लिए 5,000 PPE किट वितरित किए हैं और नागपुर, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और सांगली में मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक लॉन्च किए गए। 20,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न शिविरों में रक्तदान भी किया। महामारी में रोगियों के लिए आवश्यक 14,000 से अधिक बैग एकत्र किए गए हैं। राउत ने यह भी कहा कि पिछले महीने बिजली दरों को कम करने के राज्य सरकार के फैसले से इन कठिन समय में घरेलू उपभोक्ताओं की मदद करने अलावा व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम मुख्य बिजली आपूर्तिकर्ताओं, महावितरण, अदानी, टाटा और बेस्ट के समन्वय में लिया गया था, जो अपनी दरों को कम करने के लिए सहमत हुए। पिछले महीने एक महत्वपूर्ण कदम में सरकार ने बिजली की दरों में औसतन 7% की कमी की, जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 5% और राज्य में औद्योगिक और वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए 10-15% थी। इसके अलावा अगले महीने के लिए निर्धारित शुल्क को समाप्त कर दिया। राज्य ने सोलर ग्रिड सपोर्ट चार्ज माफ करते हुए कृषि उपयोगकर्ताओं या रूप टॉप सौर ऊर्जा उपकर्ताओं के लिए शुल्क में वृद्धि नहीं की। इन बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।